स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी का, और आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने विगत 4 या 5 महीनों से हमारी क्लास भरपूर मात्रा में देखी, अच्छा आपका सहयोग मिला। इस सब के लिए आप धन्यवाद के पात्र और बधाई के भी पात्र। मित्रों, हम क्लास हमारी जो गद्य पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था और तीसरा पार्ट हमारा चल रहा था, और तीसरा पार्ट जो था हमारा किसान के जीवन को हमने खत्म कर दिया था। हल चलाने वाले किसान और भीड़ चराने वाले वो स्वभाव से साधु और संत होते हैं, यहां तक अपन पहुंच चुके थे। और अब हम उस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पाठ का नाम था मजदूरी और प्रेम, श्रद्धा संतपूर्ण सिंह जो इसके लेखक थे। कल हमने किसान के जीवन से बात की थी, अब अपन बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं पाठ आगे गढ़ने के जीवन से। कहां से स्टार्ट करते हैं? गढ़ने के जीवन से। किसान के जीवन से हमने बात कर ली। किसान के लिए, किसान सुबह उठते ही अपने बैलों को और हलों को नमस्कार करता है, वो किसी की पूजा वंदना अर्चना नहीं करता, हल और बैल ही उसके भगवान हैं। सारी बातें आपने इस पाठ के माध्यम से देखी सा। अब आगे हम इस पाठ को बढ़ाते हैं और पाठ की शुरुआत करते हैं गडरिया के जीवन से। गडरिया जो भेड़ चराता है, वो लेखक ये कह रहा है कि एक बार मैंने एक बुड्ढे गडरिये को देखा। किसको देखा? बुड्ढे गडरिये को। उस बुड्ढे गडरिये के जीवन का चित्रण कर रहा है, निरूपण कर रहा है और कह रहा है कि वो खुले आकाश में, थोड़ी सी भूखा सुनेगा, खुले आकाश में बैठा हुआ भेड़ की ऊन काटता रहता है और उसकी भेड़ें जो है चढ़ती रहती है। वो प्रकृति के खुले वातावरण में, कोई छत नहीं है, कोई घर नहीं है, प्रकृति के खुले वातावरण में अपना जीवन बिताता है। उसका परिवार भी उसके साथ रहता है, उनका जीवन पवित्र और निश्चल रहता है। भेड़ों की सेवा ही उनकी पूजा है, वे प्रकृति के पुजारी, नित्य ईश्वर के दर्शन उन भेड़ों में ही और ईश्वर का दर्शन वो करते हैं। लेखक आगे बता रहा है कि हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल पत्तियां जो घास की हैं उनको खा रहा है, और गड़रिया बैठा हुआ आकाश की तरफ देख रहा है। पाठ की भूमिका देखिए, गड़रिया बैठा रहा है, भेड़ चल रही है और वो गड़रिया जो है आकाश की ओर देख रहा है। कहाँ देख रहा है? आकाश की ओर, क्योंकि वही उसका सहारा है, उसी की तरफ वो देखती है। आंखों में प्रेम की लाली छाई हुई है। प्रेम की लाली किसके में? गड़रिया के में। और वो जो है ना, इस समय ऐसा लग रहा है, आकाश की तरफ देख रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो निरोगता की पवित्र मदरा पी रहा हो, पवित्र मदरा का पान कर रहा हो, इस तरह उसे महसूस हो रहा है। वो देखने में ऐसा लग रहा है। उसके बाल कैसे हैं? सफेद। पूरे बाल उसके कैसे हो गए? सफेद। और सफेद भी क्यों ना हो, लेखक बता रहा है क्योंकि वो सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, भेड़ पर जो ऊन थी वो भी सफेद थी, तो लेखक कह रहा है कि सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, इसीलिए उसके बाल भी सारे सफेद हैं। परंतु उसके कपोल जो गाल थे, कपोलों से क्या फूट रही है? लाली, लालिमा और झलक रही है। वो ऐसा लग रहा है मानो बर्फानी देश में, बर्फ के देशों में बर्फ पड़ी हुई है और मानो विष्णु भगवान के समान क्षीर सागर में लेटा हुआ है। यहाँ आपको मैं बताऊं, विष्णु भगवान के समान क्षीर सागर, क्षीर में दूध होता है, क्षीर सागर में लेटा हुआ है। अब यहाँ तुलना किए क्यों कि विष्णु भगवान जो होते हैं क्षीर
सागर में लेटे होते हैं जो दूध का सागर होता है, यहाँ वो भेड़ों के बीच में बैठा है। अब दूध भी सफेद होता है तो भेड़ों के बीच में बैठा है और उसके बाल भी सफेद और भेड़ों भी सफेद है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो क्षीर सागर यानी सफेद कलर के बीच में बैठा हुआ है, इसलिए उसकी तुलना विष्णु भगवान से की गई। उसी के पास उसकी स्त्री है बैठी हुई है, क्या पका रही है? रोटी पका रही है। क्या पका रही है? रोटी पका रही है। और दो जवान कन्याएं भी हैं, दो जवान कन्या उसी के साथ है, दो जवान कन्या उसी के साथ है। और कन्याएं जो होती है उसी के साथ जंगल जंगल जहां भी जाते हैं भेड़ चराती फिरती रहती है। उन कन्याओं को अपने माता पिता और भेड़ों के अलावा थर्ड पर्सन किसी की कोई जानकारी नहीं है, किसी को कभी देखा भी नहीं है, मकान इनका है नहीं, इसलिए इनको बेमकान कहा गया। घर इनका है नहीं इसलिए इनको बेघर कहा गया। पता इनका है नहीं इसलिए इनको बेपता कहा गया। नाम इनका है नहीं इसलिए इनको बेनाम कहा गया। इन्हें क्या कहा गया है? बेनाम बिना नाम, बेघर बिना घर के, बेपता बिना पता के इनको कहा गया है। क्या कहा गया? किसी के घर में ना रहकर, देखो एक दो लाइन भी इन्होंने इस पाठ के माध्यम से कहा गया कि किसी के घर में ना घर कर बैठना। जब इनका कोई घर ही नहीं है तो किसी दूसरे के घर में अपना घर बना लेना इन्हें मंजूर नहीं। किसी के घर में ना घर कर बैठना, इस दारे पानी में ठिकाना बेठिकाना मका वरला मका रखना। अर्थात इनको मकान की कुटिया की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस परिवार की जो दिव्य कुटी है उसको इनको कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहां जाते हैं वहां एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं, जहां जाते हैं वहां एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य और रात को तारे, दिन को सूर्य इनके कोई पड़ोसी भी नहीं है और रात को तारे इनके क्या है? सखा पड़ोसी मित्र। दिन को सूर्य और रात को तारे इनके सखा है, इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, कोई इनके साथ है भी नहीं। गडरिया की जो कन्या है वो पर्वत की चोटियों पर, दोनों जो बहन है, सूर्य जब अस्त हो रहा है उस अस्त सूर्य के अस्त होना गडरिया की कन्या देख रही है। अब ये दृश्य बड़ा अच्छा है दोस्तों, देखो कैसे सुनहरी किरणें, सूर्य जब अस्त हो रहा है तो उसकी सुनहरी जो किरण है कन्याओं के लावण्यमय मुख पर सुनहरी किरणें पड़ रही, तो उस समय जो दृश्य होता है वो देखना, कन्या जो है वो सूर्य की तरफ देख रही है, कन्या जो है वो सूर्य की तरफ देख रही है और सूर्य जो है ऐसा लग रहा है जैसे वो उन कन्याओं की तरफ वो देख रही है। सूर्य इनकी तरफ देख रहा है मानो, और कन्या उनकी तरफ देख रहा है। उस समय ऐसा महसूस हो रहा था जब सूर्य अस्त हो रहा था, पर्वत के शिखर पर वो कन्या बैठी हुई थी, लावण्यमय उनकी मुद्रा थी, सूर्य की सुनहरी किरणें जब उनके लावण्यमय मुख मुद्रा पर पड़ रही है तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सूर्य उनकी तरफ देख रहा हो, सूर्य इनकी तरफ देख रहा हो और कन्या उसकी तरफ देख रहा है। तो यहाँ एक दुहा का इशारा भी लेकर कर रहा है कि हुए थे आंखों के कल इशारे, ऐसा लग रहा है दोनों का, जैसे अपन किसी की तरफ देखते हैं और कोई हमारी तरफ देखता है तो ऐसा लग रहा है कि इशारे पहले ही हो चुके हैं। कि हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अस्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। अर्थात दोनों जैसे आपको प्रेमी प्रेम का आपस में नजर मिलती है, बोलता कोई भी नहीं, ऐसे वो लड़की जो है सूर्य को देख रही है और ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य उनकी तरफ देख रहा है, दोनों में से कोई भी बोलता नहीं।
पवित्र युवावस्था पर मुग्ध है और वो आश्चर्य के अवतार, और वो जो लड़कियां जो हैं आश्चर्य के अवतार कौन, सूर्य भगवान की महिमा के तूफान में खड़ी नाच रहे। दोनों वालों का अलग अलग अपना अपना रुझान है। इनका जीवन, उन लड़कियों की जीवन की, गडरिया के जीवन की बात कभी कर रहा है, लेकर कर रहा है कि इनका जीवन जिस तरह बर्फ जो बहुत पवित्र होती है, तो बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित। वन की सुगंध से सुगंधित है इनकी जो पवित्रता है जीवन, जो है इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। इनका मुख शरीर दिल सफेद है, अर्थात बिल्कुल पाक है इनकी बर्फ, क्योंकि जिस जगह वो रहते हैं वो बर्फ, इनके पर्वत वो भी सफेद क्योंकि बर्फ डलती है, और भेड़े भी सफेद, और अपने सफेद भेड़ों में ये गडरिया का परिवार जो है शुद्ध सफेद ईश्वर के दर्शन करता है। लेखक तो यहाँ तक कह गया कि उसने क्या कहा, सुनेगा एक दुआ भी उन्होंने लेखक ने कहा है, कि जो खुदा को देखना हो, कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको, जो खुदा को देखना हो, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, मैं देखता हूं तुमको, जो खुदा को देखना हो। अर्थात अगर मुझे भगवान के दर्शन करने हैं तो मैं ऐसे पवित्र आत्मा के दर्शन कर लेता हूं, उसी में मुझे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। लेखक ऐसा कहना चाह रहा है कि इतना पवित्र भेड़ों का मालिक गड़रिया है, भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है, भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है, और ये किसी की पूजा अर्चना नहीं करते। सा जैसे मैंने कहा था किसान अपने बैलों की सेवा करना ही इनकी पूजा है, इसी तरह भेड़ों की सेवा करना ही इनकी पूजा है। ये जरा अभी थोड़ी सी बात मैं आपसे कर लेता हूँ, जरा से एक भेड़ बीमार हो गई इनकी तो इनके परिवार पर बहुत आफत आ जाती है, दिन रात उसके पास बैठे बैठे काट लेते हैं, क्योंकि एक परिवार के सदस्य की तरह रहते हैं इनके भेड़े जो भी, क्योंकि वही उनकी आजीविका का साधन हुआ। अब जब भेड़ को अधिक पीड़ा हुई, जैसे वो दर्द से कराई, तो इन सब की आंखें उस शून्य आकाश की तरफ देखने लग जाती है, क्यों, और ऐसा लग रहा है कि वो किसी को बुला रहे हैं, हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़ने तक की भी इन्हें फुर्सत नहीं, मौन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी भीड़ को आप सही कर दीजिएगा। पर हाँ, इन सबकी जो आंखें हैं ना, किसी के आगे शब्द रहित संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हमेशा प्रार्थना करती रहती है। दो रातें जब भीड़ बीमार हुई तो दो रातें कब गुजर गई पता नहीं चला, अब वो भीड़ अच्छी है, इनकी भीड़ जो है अच्छी हो गई। अब जैसे भीड़ अच्छी हुई तो इनके घर मंगल हो रहा है, अर्थात खुशियाँ हैं, क्योंकि जब भीड़ सही है तो इनके घर में मंगल हो गया, भीड़ बीमार थी तो ऐसा लग रहा था इनके घर में कोहराम मच गया, सारा परिवार गीत गा रहा है, खुशियाँ कर रहा है, मिलके गा रहा है। इतने में जो आकाश था ऊपर नीला बादल था वो घूमड़ गया और बारिश चालू हो गई, बदल स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई। ऐसा लग रहा मानो जब इनका परिवार खुशी से आनंदित है, झूम रहा है, तो बादल भी इनके सहयोग कर रहा है, बादल भी प्रसन्न है इनको खुशी देख करके, बादल भी आनंदित है, प्रकृति की देवता भी आनंदित हो गई, बूढ़ा गडरिया आनंद में मस्त होकर के नाच रहा है, नाचने लग गया, वो कहता नहीं कुछ भी लेकिन उसकी रग रग नाच रही है। बूढ़ा बूढ़े बाप को जब खुशी देखा तो दोनों जो कन्याएं वो भी खुशी हो गई,
और दोनों बहनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके घूमर डांस स्टार्ट कर दिया और पहाड़ी गीत गाना स्टार्ट कर दिया। साथ ही धमो धमो थमो थम जो थीम थी नाच उन्होंने धूम मचा दी। मेरे लेखक के ये कह रहा है कि जब मैंने ऐसा दृश्य देखा तो मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बह गया। संसार की सबसे बड़ा आनंद मेरी आंखों के सामने उपस्थित हो गया। मेरे पास ही लेखक ये कह रहा था, मेरे पास ही मेरा बड़ा भाई भी खड़ा था। मैंने उससे कहा, भाई मुझे नहीं पढ़ना, भाई अब मुझे भी भेड़ दे दो, मुझे भी तुम भेड़ खरीद दो, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। लेखक कह रहा है, मैं अपने भाई से कहने लगा, मुझे नहीं चाहिए कोई विद्या, मैं मेरे पास जो विद्या है उसे मैं भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तक अगर खो जाए तो बहुत ही उत्तम है। मित्रों, वो विद्या को भूलने की बात कर रहा है, पुस्तक को खोने की बात कर रहा है। ऐसा होने से लेखक ये कह रहा है कि जो वनवासी व्यक्ति जो गढ़िया है उस वनवासी परिवार की तरह मेरे भी दिल के क्या खुल जाएंगे, नेत्र खुल जाएंगे, मेरे भी दिल के नेत्र खुल जाएंगे और मैं साफ मन से ईश्वर की झलक देख सकूंगा। अगर मैं इतनी तरह पवित्र हो जाऊंगा तो सूर्य चंद्रमा जो ज्योति में जो वेद का गान हो रहा है उसे इस गढ़िया की जो कन्या जो इस वेद के गान को सुन रही है पवित्र आत्मा से उसको मैं भी सुन सकूंगा। पंडितों की ऊट पटांग बातों से, जो पंडित जी ऊट पटांग बातें आजकल करते हैं, लेखक कह रहा अपने भाई से कि मेरा जी इन बातों से उकता गया है। प्रकृति की जो धीमी धीमी मंद मंद जो हंसी है उस हंसी में ये अनपढ़ लोग, हम जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं, ये अनपढ़ लोग भी ईश्वर के हंसते हुए ओट देख रहे हैं, इन्हें ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, पढ़े लिखों को नहीं हो रहे। तो ऐसी पढ़ाई को मैं करूं क्या, ऐसी पढ़ाई को मैं करूं क्या। तो आज तो मुझे ऐसा लगता है कि पशु के अज्ञान में भी, ज्ञान में नहीं क्योंकि हम तो ज्ञानी हैं, पशु तो ज्ञानी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि पशु के अज्ञान में भी गंभीर ज्ञान छुपा हुआ है। गढ़ी के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। इनका जो प्रेम है उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं दे सकता। अब थोड़ा सा लेखक आगे बढ़ रहा है कि मजदूर की मजदूरी, लेखक बताना चाहता है कि मजदूर की मजदूरी। देखो इसमें चीज दी गई दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से प्रेरणा दी गई, क्या प्रेम और मजदूरी इस पाठ से लेखक क्या प्रेरणा दे रहा है, ध्यान से सुन लेना। प्रेरणा क्या है कि काम के बदले हम जो व्यक्ति हैं, आम जो आदमी है, वो ये सोचता है कि हमने जो किसी से काम लिया है और हमने उस काम के बदले उसको मजदूरी दे दी तो हम ऐसा समझ लेते हैं कि काम के बदले मजदूरी चुकाने से हम अपना कर्तव्य पूरा हो जाता है, ऐसा मानने लगते हैं। ये बात उचित नहीं है। इस पाठ के माध्यम से ये प्रेरणा दी गई और संदेश भी दे दिया गया। देखो इस पाठ से क्या संदेश दिया गया, उस बात को आपको याद रखना है कि इस पाठ में क्या संदेश दिया गया कि हमारे वर्तमान जीवन में आंतरिक प्रेम की कमी आ रही है, इसलिए हमें हमारे वर्तमान जीवन में आंतरिक प्रेम की, हमारे पास समय नहीं है दूसरे से बात करने की, कमी आ रही है, आंतरिक प्रेम की कमी आ रही है। अतः हमें आंतरिक प्रेम व सेवा भाव का महत्व समझना चाहिए। अतः हमें आंतरिक प्रेम व सेवा भाव का
वह तो समझना चाहिए। ये इस पाठ के माध्यम से संदेश दिया गया और प्रेरणा भी दी गई कि काम के बदले मजदूरी चुकाने से हम अपना कर्तव्य पूरा समझ लेते, जबकि उचित तो नहीं। इसलिए इस पाठ से प्रेरणा दी गई कि मजदूर की मजदूरी कभी भी मजदूरी चुकाने से नहीं हो सकती। तो लेखक ये कह रहा है कि मैंने चार आने पैसे मजदूर के हाथ में रख दी और मैंने उससे कहा ये लो तुम्हारी दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है, मैंने कितनी बड़ी बहादुरी का काम कर दिया कि उसके हाथ पर मैंने उसके चार आने पैसे रख कर उसे कह दिया ये लो तुमने पूरे दिन जो काम किया उसकी मेहनत लो। हाथ पांव सिर तन मन सब कुछ अवयव जो थे उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें तो उसकी थी नहीं, ये तो सब ईश्वर की दी हुई चीज थी। अर्थात ये सब कैसे थे, ईश्वरीय पदार्थ थे। जो हाथ कान नाक जो आपके सारे अवयव उसने आपको अर्पण किए थे ये सारी चीजें ईश्वर की थी। जो हाथों से उसने मेहनत की, जो दिमाग से उसने कुछ कार्य किया, ये सब ईश्वरीय पदार्थ थे और इनके आपने उसको क्या चुकाई, मजदूरी चुकाई। जो पैसे आपने दिए थे वे भी आपके नहीं थे, जो आप पैसे दे रहे हो वो भी आपके नहीं है। वो जो पैसे पृथ्वी से निकले हो धातु के टुकड़े थे, पृथ्वी के गर्भ से निकली धातु के टुकड़े थे। जो पैसे आप उसको दे रहे हो वो भी आपके नहीं है, वो भी ईश्वर के हैं। अन्न धन देने से नहीं, क्योंकि अन्न भी आपका नहीं धन भी आपका नहीं, ये सब ईश्वर के हैं। अन्न भी वही बनाता है, धन भी वही देता है, जल भी वही देता है। इसलिए आप दे किसको रहे हो, लेखक एक उदाहरण देता है कि एक जिल्दसाज था। और करना एक प्रश्न ये जिल्दसाज जानते हो, जो पुस्तकों पर कवर चढ़ाता है उसे जिल्दसाज कहते हैं। लेखक एक कह रहा है कि एक जिल्दसाज ने मेरी पुस्तक की जिल्द भांग दी। गौर करना मेरी पुस्तक की क्या भांग दी, जिल्द भांग दी। मैं इस मजदूर को कुछ दे ना सका क्योंकि उसने कुछ लिया ही नहीं, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। उसने अपनी मेहनत का मुझसे कुछ भी नहीं लिया, लेकिन आज 20-30 साल बाद तक भी मैं उस पुस्तक को देखता हूँ तो मुझे तुरंत उस मजदूर की याद आ जाती कि वही मजदूर जिसने मुझे से मेहनत का कुछ भी नहीं लिया। आज पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है और वो मेरा आमरण मित्र हो गया मरण तक। क्यों, क्योंकि उसने कार्य ही ऐसा किया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे दिल में रोज भरत विलाप का सा दृश्य बन जाता है। तो मैं तो ये कहना चाह रहा लेखक कि कभी भी मजदूर की मजदूरी पैसे चुकाने से नहीं होती। मित्रों कल के वीडियो में हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा गद्य के पाठ हैं सिंपल वे में। आज फर्स्ट पार्ट की मैं PDF डाल रहा हूँ, टेंशन नहीं लें, फ्री होकर के मस्त होकर के पढ़ें। आप दिमाग पर बोझ बिल्कुल भी नहीं लें, सबको पता है कोर्स कैसा है कैसा नहीं है, आपको एक एक चीज़ क्लियर कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।